उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक, कोविड नियंत्रण पर की चर्चा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बिंदुकत्ता पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, ग्रामीणों से की मुलाकात, सुनी लोगों की समस्याएं। पीएम मोदी ने रविदास विश्राम धाम मंदिर में की पूजा अर्चना, सीएम धामी ने ट्वीट किया वीडियो, कहा हमारे नेता और पथ प्रदर्शक हैं पीएम मोदी। उत्तराखंड में सरकार ने कोविड प्रतिबंध पर दी ढील, खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, रैली धरना प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक रहेगा प्रतिबंध। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं देवभूमि की खबरों का मेगा बुलेटिन अपना उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय पहुंचकर प्रदेश में कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द ही कोविड नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि देश के साथ उत्तराखंड में भी कोविड के मामलों में कमी आई है, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदुकत्ता के श्रीलंका टापू गांव पहुंचे, जहां पर वो ग्रामीणों से मिले और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान लोगों ने हरीश रावत को गांव की समस्या से अवगत कराया है। वहीं गांव के लोग हरीश रावत के आने से खुश भी दिखाई दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जयंती के मौके पर श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं के साथ भजन कीर्तन किया। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका वीडियो ट्वीट कर लिखा कि आत्मीयता और अपनत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक की यही सहजता और सरलता उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बनाती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमें गर्व है कि आप हमारे नेता और पथ प्रदर्शक हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ये किए गए ट्वीट का पोस्ट है और ये वो वीडियो है जो उन्होंने दरअसल ट्वीट किया है और उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि पीएम हमारे नेता और पथ प्रदर्शक है। दर्शकों, आज संत रविदास महाराज की जयंती है, जिसके बाद कई राजनेता उन्हें याद कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संत रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उनको नमन किया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत रविदास जयंती के मौके पर, संत रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर, आपको बता दें कि उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उनको नमन किया है। पतंजलि योग ग्राम में इलाज और बुकिंग के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कुछ वेबसाइट के जरिए यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने मामले में पतंजलि के एक अधिकृत हस्ताक्षरी की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इन फर्जी वेबसाइट ईमेल के जरिए ये योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी विज्ञापन भी दिए जा रहे थे। तो बुकिंग के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, पतंजलि के नाम पर यह फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिसके बाद अब इसकी शिकायत पुलिस से की गई है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में माध्य पूर्णिमा के स्नान पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा जल में डुबकी लगाई। स्नान पर्व पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। ज्योतिषियों के माने तो इस बार की माध्य पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है। आज ही के दिन त्रेता युग में भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के साथ ही सुभाष घाट, गौ घाट, राम घाट, विष्णु घाट पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान दान का पुण्य अर्जित किया। आज के दिन गंगा में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन
भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना एवं ब्राह्मणों को दान देना 1000 से ज़्यादा अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। ऐसी मान्यताओं को ही मानते हुए यहाँ हिंदू धर्मावलंबी लोग गंगा में स्नान करते हैं। धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में यति नरसिंहानंद को प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने जमानत दी थी। बता दें कि धर्म संसद में दिए भड़काऊ भाषण में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। नगर कोतवाली के निरंजनी अखाड़ा मायापुर निवासी लॉ की छात्रा रुचिका ने 12 जनवरी 2022 को नगर कोतवाली हरिद्वार में गाजियाबाद के डास्टा में स्थित देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। चुनावी रंजिश में मझोला के घर में घुसकर करीब 12 दबंगों ने एक परिवार को पीटा। पीड़ित पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां भी उसके साथ मारपीट की गई। दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में तमंचे से फायर तक झोंक दिया। इससे ग्रामीण का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस पर दबंगों को शह देने का आरोप लगाते हुए खटीमा पीलीभीत मार्ग पर 4.5 घंटे तक जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम लगाने वालों को बलपूर्वक हटाया। इस बीच मौके पर पहुंचे भाकियू नेता राकेश टिकैत ने पुलिस अफसरों से बात कर कार्रवाई की मांग की। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत में फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त थोड़े हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। At GLA University, we make the way, we inspire, we are a family bound by a common bond. We lead, we innovate, the record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. Uh,
अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर 10 से ज्यादा जनहित याचिकाओं पर एक सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 22 तारीख की तारीख तय की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति NS धानिक की खंडपीठ के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अब भी लोग शारीरिक दूरी और मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोविड नियमों का पालन कराने के लिए जिला मॉनिटरिंग कमेटियों ने भी जोर दिया है। सरकार की मेडिकल वेबसाइट पर इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि प्राथमिक अस्पतालों, बेस अस्पतालों और अन्य सरकारी अस्पतालों में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिनेशपुर पुलिस ने अलग अलग मामलों में अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ अभद्रता व्यवहार, गाली गलौच और हाथापाई किए जाने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने पर किसी भी सूरत में चाहे कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पर OTP आए तो दूसरों से बिल्कुल भी शेयर ना करें। ये एक तो जो है 2 लड़कों को कल जो है रामबाग गांव के पास से अवैध तमंचे में कार्टून के साथ गिरफ्तार किया गया था। दूसरा जो मतदान के दिन बुकसोरा जो हमारा मत केंद्र था वहां पे पुलिस पार्टी के साथ ग्राम प्रधान सहित कुछ लोगों ने मिसबिहेव किया था, गाली गलौज की थी, उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था। उसमें जो नामजद 3 मुलजिम थे वो अरेस्टिंग हुई है, उनको जो है माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है, की जाएगी जो नियमानुसार है। उसके बाद कुर्की की कार्रवाई जो होती है निकाल जाएगा, फिर 82 की जाएगी, उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चमोली में अपराधों की रोकथाम और दुर्घटना में पीड़ितों की तुरंत सहायता के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चमोली की तरफ से 4 हाईवे पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड की तरफ से जनता को कम समय में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर अपराध और कानून व्यवस्था के लिए अपराधों के गठित होने की स्थिति में जल्द और प्रभावी कार्यवाही करने, प्रोफेशनल पुलिसिंग को सुदृढ़ करने और दुर्घटनाओं में घायलों को जल्द सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उन्नत तकनीक से सुसज्जित 4 हाईवे पेट्रोल स्कॉर्पियो चमोली पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। निदेशक महोदय के प्रयासों से हमें जो है 4 स्कॉर्पियो वाहन जो है हाईवे पेट्रोल यूनिट और हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यूनिट के नाम पे जो है प्राप्त हुए चमोली जनपद को। हमने अपराधों पे नियंत्रण जो राष्ट्रीय राजमार्ग या हमारे जो राजमार्ग हैं उनमें और दुर्घटनाओं से जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे और ट्रैफिक के परिप्रेक्ष्य में जो यात्री हैं उनको एक सुगम यातायात व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए इन पेट्रोल यूनिट्स को आज यहाँ पुलिस लाइन से रवाना किया है। हमने अलग अलग जो है क्षेत्र बांट दिए हैं जिन क्षेत्रों में जिन राजमार्गों में ये चलेंगी। जैसे हमारा जो सबसे पहला रूट जो हमने इनके लिए निर्धारित किया है वो है गौचर से लेकर नंदप्रयाग तक। फिर हमारा आदिबद्री गैरसेन वाला क्षेत्र जो है वो हमारा दूसरा यूनिट है। तीसरी यूनिट हमारी जो है चमोली से लेकर गोपेश्वर वाले क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी।
आज मशहूर संगीतकार और लोगों को अपनी धुन पर नचाने वाले गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया, जिसके बाद बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बप्पी लहरी के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लहरी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ये निश्चित रूप से संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड में चुनाव में रोडवेज की करीब 300 बसों के अधिग्रहण के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी कल यानी गुरुवार से दूर हो सकती है। परिवहन निगम प्रबंधन का दावा है कि बुधवार तक सभी बसें वापस आ जाएंगी और गुरुवार से उन सभी मार्गों पर बसों का संचालन फिर से सुचारू हो जाएगा, जहां अधिग्रहण के चलते बस सेवाएं रोकी गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 200 बसें मंगलवार रात तक चुनाव ड्यूटी से लौट आई है, जबकि बाकी अगले दो दिन में लौट आएंगी। आम चुनाव में अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों की ड्यूटी के लिए रोडवेज बसों को अधिग्रहित किया गया था। इसके साथ ही कुछ पर्वतीय मार्गों पर पोलिंग पार्टी ड्यूटी में भी रोडवेज बसें लगाई गई थी, जिसके चलते कुछ मार्गों पर बसों की सेवाएं बंद कर दी गई थी। 8 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक इन बसों को अधिग्रहित किया गया था। बसों के चुनाव ड्यूटी में लगाने से संचालन पर असर पड़ा था। पर्वतीय मार्गों पर बसों के बाद यात्रियों के लिए मैक्सी कैब एकमात्र सहारा है, लेकिन चुनाव में बड़ी संख्या में मैक्सी कैब का भी अधिग्रहण हुआ था। ऐसे में पिछले सप्ताह सभी पर्वतीय मार्गों पर परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई रही। अभी स्थिति सुधरती नजर आ रही है। महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि बसें वापस आनी शुरू हो गई हैं। गुरुवार से सभी सेवाएं सुचारू हो जाएंगी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रबंधन में ढील दे दी है। राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य कई रियायतें भी दी गई हैं। हालांकि राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए शासन ने एसओपी जारी कर दी है। जारी की गई एसओपी के मुताबिक जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम और सभा कक्ष कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में थराली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा था। यहां थराली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतराम ने मतदाताओं का आभार जताते हुए महिला वोटरों की लोकतंत्र में सहभागिता पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि महिला मतदाताओं ने निश्चित रूप से बीजेपी सरकार में महंगाई और घरेलू सामान की बढ़ती कीमतों के विरोध में मतदान किया है। थराली विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। आप लोगों ने इस लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाई और लगभग 60% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं का भागीदारी अधिक रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी मातृशक्ति जागरूक है और वो बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकली, अपने बूथों पर निकली। और निश्चित रूप से जो युवा है, मातृशक्ति है और तमाम विधानसभा की जो जनता है, इस समय उन्होंने बदलाव का मूड बनाया था। जिस तरह से हमने देखा कि भारी संख्या में लोग जनता सड़कों पर आ करके हमारे समर्थन में आई, उससे ये पूरा है कि हम मैं आश्वस्त हूँ जीत के प्रति और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुन के जाएगा उत्तराखंड की विधानसभा में। और यहाँ की जनता ने विकास पर वोट दिया है, जो मेरे पिछले कार्यकाल के 12 से 17 के कार्य रहे।
वन विभाग बहादुराबाद शाखा की तरफ से अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर सहित कई वाहनों को सीज करने की कार्रवाई वन विभाग की तरफ से की गई है। आपको बताते चले कि क्षेत्र में इस समय खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है, जिसके लिए शासन और प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई। उसके बावजूद खनन माफियाओं की तरफ से अवैध खनन किया जा रहा है। वन विभाग उत्तराखंड हरिद्वार के बहादुराबाद रेंजर हर्षित पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी वाहन अवैध खनन में लिप्त पाए गए हैं, जिसके चलते इन सभी वाहनों को चेंज करने की कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों बद्री धाम में जमकर बर्फबारी देखने को मिली, जिस कारण बद्रीनाथ जाने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाले के पास जबरदस्त बर्फबारी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिसके चलते बीआरओ की टीम लगाकर पागल नाले में बर्फ हटा रही है। बड़ी बात यह है कि पागल नाले में 4 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है, जिसे इस वक्त बीआरओ की टीम बिना अपनी जान की परवाह किए बर्फ हटाने में जुटी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।